सोच सुन देखिए, औरत बोलती है कि बेटा जाने तो यही जिंदगी है। सरकार इस पर एक्शन ले, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद करें। यहाँ 6 साल के बच्चियों का बलात्कार, जुलाई से लेकर अब तक 24,000 बच्चियों का बलात्कार हो चुका। 7 बजे का समय है और 7 बजे के समय में अगर हम लोग को कोई गंदे तरीके से छू के निकलता है तो वो हम लोग के लिए क्या उस टाइम न होगा। बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उड़ीसा के मामले में जब पुलिस वाला ही बलात्कार कर रहा है तो हम लोग कैसे माने सरकार हम लोग का हेल्प कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर भारत और मैं आपके साथ प्रेम राज। जी हाँ, इस वक्त कर रहे हैं पटना के कारगिल चौक और रात के अंधेरे में लोग नर्स की सोनपुर मेला घूम रहे हैं। रात के अंधेरे में लोग खड़े हैं पटना के कारगिल चौक पर। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथ में मोमबत्तियां हैं और मोमबत्ती लेकर ये कर रहे हैं कि इंसाफ दो, जस्टिस करो, उसका जस्टिस करो जिसका बलात्कार किया गया जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, ना जाने कितने बेटियों के साथ, ना जाने कितने लड़कियों के साथ हुआ। और इसी को लेकर आज ये योजना है पटना के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मांग है। क्या है, क्या चाहते हैं? यही मांग है जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ गया है, आज सरकार को उसका इंसाफ करना चाहिए। अगर सरकार अगर अभी कड़ा नहीं होगा तो और लड़की के साथ हो सकता है। जब सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी इसलिए बचाए कि आगे चल के उसका बलात्कार हो, बेटी इसलिए बचाए। आपको होना चाहिए कि जो ऐसा किया है उसको सजा मिले, ऐसा सजा दीजिए आइंदा से अगर कोई लड़का ऐसा करना भी चाहे तो उस सजा को देख के उसका रूह कांप जाए। जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ वो किसी के साथ होना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पे यही कहना है कि जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होता। ये तमाम लोग और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कब तक ये सिलसिला चलेगा। काफी दिनों से ना जाने कब से यह प्रथा बनाया है, ना जाने कब से यह बलात्कार किए जा रहे हैं, पर न्याय के नाम पे क्या हर बार कैंडल मार्च, क्या इस बार भी एक कैंडल मार्च होकर रह जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा लोग को, आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं। कुछ लोग से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या हर बार की तरह इस बार भी कैंडल मार्च करके रह जाएंगे। आखिर कब तक होगा ये कैंडल मार्च? हम इन लोग से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कब तक, भैया आखिर कब तक ये कैंडल मार्च? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो कैंडल मार्च हम लोग धरने पर बैठेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हर बार बलात्कार होता है, हर बार कैंडल मार्च, सरकार इस पर एक्शन ले, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद करें। इस पर बलात्कार को बलात्कारियों को सजा दे, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बंद करें। क्योंकि हम भारत से क्या बेटी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे बेटी सुरक्षित है? आज हम लोग नारा नहीं लगाना पड़ता क्योंकि यहाँ 6 साल के बच्चियों का बलात्कार होता है। कैसे बोल सकते हैं कि एक बेटी सुरक्षित है? हर घर जब बेटी सुबह घर से निकलती है तो माँ बाप की यही फिक्र रहती है कि जब मेरी बेटी घर से निकल रही है तो क्या शाम को सुरक्षित निकलेगी? क्या आप इसके बारे में कुछ जवाब दे सकते हैं? बोलिए। मैं सुन रही हूँ कि जुलाई से लेकर अब तक 24,000 बच्चियों का बलात्कार हो चुका है, अब तक कहाँ सरकार? हमारी माननीय इसका गुनहगार कौन? इसका सरकार है और कौन है? इतना प्रशासन सर चलाए, या हेलमेट या हेलमेट नहीं पहन के गए तो उसका लाइसेंस लाज कर दे, पैसा ले दो, तो ये बलात्कारियों का भी सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे? सरकार कहाँ है? बलात्कारियों को बंद नहीं कर सकता तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बना तो बंद करो, बंद करो। हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। आज हम लोग रोड पे चलते हैं तो 10 लड़के छेड़ते हैं, ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। हम इस चीज को लड़ेंगे। हम अगर रोड पे चलते हैं, अगर उस टाइम 7 बजे का समय है और 7 बजे के समय में अगर हम लोग को कोई गंदे तरीके से छू के निकलता है तो वो हम लोग के लिए क्या उस टाइम न होगा? ये चीज को सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। मेरे पे भी ये चीज गुजरा है, हम इस चीज को समझ सकते हैं। हम उस दिन एक दिन रात में जा रहे थे, एक आदमी ने हमें गंदे तरीके से छू के निकला। उस दिन एक औरत बोलती है, औरत लोग का सोच सुन देखिए, औरत बोलती है कि बेटा जाने दो यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। हम लोग को अच्छे से नहीं जीने का जिंदगी है। जैसे लड़के लोग अपने शान से चलते हैं सर उठा के, हम लोग भी तो लड़की लोग है, हम लोग भी चल सकते हैं शान से उठा के। ऐसा सरकार क्यों नहीं होने देती है? तो फिर क्यों बोला जाता है सेफ गर्ल चाइल्ड, सेफ गर्ल चाइल्ड क्यों बोला जाता है? हर दम नारा बनाया जाता है, कॉमेडी होता है, एंटरटेनमेंट होता है, क्यों होता है? बोला जाता है
बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, कुछ नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का। सेफ गर्ल चाइल्ड हमेशा बोलते हैं लेकिन ये कुछ नहीं होता है। लड़की अगर यहाँ पे दस अगर रोड चलते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर लड़की अकेले खड़ी रहेगी। कल मैंने न्यूज पे फेसबुक पे पढ़ा है, एक मीडिया वाली थी, उसने मतलब सब जगह दिल्ली में जाके इलाकों में चेक किया कि एक लड़की 12 बजे रात में खड़ी होके क्या महसूस करती है। तो उस टाइम एक गाड़ी वाले ने रोक कर उसे कमेंट किया, उसे मीडिया वाली एक लड़की को मतलब गंदे तरीके से बोल करके निकला। जब एक मीडिया वाली इसे कहते गुस्सा। ये लड़की अभी दिखा रही है जिसको अगर आज के डेट में एक लड़की को एक औरत समझाए कि बेटा ये हो गया है, क्या समाज जाएगी, क्या यही समाज चलेगा। आप देख सकते हैं एक बच्चे जिसको बता रही है, एक लेडीज किसे समझा रही है कि बेटा यही है यही है। कुछ लड़के बोलना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बोलना चाह रहे भैया। यहाँ पे रक्षक जब भक्षक बन रहे हैं, उड़ीसा के मामले में जब पुलिस वाला हिल बलात्कार कर रहा है, तो हम लोग कैसे माने सरकार हम लोग हेल्प कर रही है। अभी कल के परसों राष्ट्रपति बोलेंगे फांसी मिलेगा, कब मिलेगा फांसी? यहाँ पे फांसी मिलते मिलते 50 साल बीत जाएगा लेकिन कभी फांसी नहीं मिलता जा रहा है। यहाँ पे डेली हैदराबाद में कांड हुआ, उसके बाद डेली बक्सर में कल ही कांड हुआ। सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? बिहार सरकार चुप बैठा, भारत सरकार चुप बैठा, ऐसा क्यों बैठा हुआ है? सजा मिलना चाहिए सबको, और सजा देने का हक नहीं है तो पब्लिक में छोड़ दे, हम लोग देंगे सजा। उन लोगों को चौराहे पर बैठा कर काट देंगे। तो देखा यहाँ पे बोल रहे चौराहे पर बैठा कर काट देंगे। आप बहुत पॉलिटिकल पार्टी जाती है जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है ये मुझे जानना है कि बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है लेकिन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। अब नहीं होगा, अब अन्याय हम लोग नहीं रहेंगे, अब झूठ का नारा बंद किया जाए क्योंकि ये युवा भारत है, क्योंकि अब ये नया हिंदुस्तान है। और बलात्कारियों को फांसी दे के रहेंगे। अब पॉलिटिकल पार्टी का नहीं चलेगा। जिन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया लेकिन अब ये सक्सेसफुल नहीं है हैदराबाद में बक्सर जिला में। कानून मंत्री से क्या चाहते हैं? कानून मंत्री से क्या चाहते हैं कि अब आप कानून बनाइए, न्याय मिले, अब बच्चों को न्याय मिले, अब कानून बनेगा, अब बनेगा, नहीं तो हम लोग अब बहुत दूर तक जाएंगे सर। ये GST चालू होगा, सब्जी का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, अनदर देश की जैसे जब चालान काटने के लिए उनके पास फोर्स है, सबके लिए फोर्स है, तो सजा देने के लिए क्यों नहीं है फोर्स उनके पास? क्यों रक्षक में बच्चे बन रहे हैं? नहीं अगर हो रहा है तो हम लोग दीजिए, हम लोग सजा देंगे। अब मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा, आपने विदेश बहुत घूम लिया, अब जरा देश घूमिए, अब देश घूमिए क्योंकि देश में प्रॉब्लम है। आपने जो है कि GDP भी डाउन हो चुका है, अब देश घूमने का जरूरत है, अब देश घूमिए, बहुत हुआ। अब बेटियों के साथ अन्याय करिए, बहुत हुआ, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां, जब 6 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी हम लोग क्या समाज बनाएंगे? और क्या देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? अब ये अनसक्सेसफुल रहा है। अब हम चाहते हैं कानून मंत्री से कि अब न्याय, अब आप कानून बनाइए ताकि न्याय मिले और तुरंत फांसी मिले। तो देखा यहाँ पे इसे कहते हैं गुस्सा, इसे कहते हैं युवाओं में गुस्सा जो अभी दिख रहा है। कानून कई बने कई बिगड़े पर स्थिति वही है। दिल्ली में देखा हर जगह ना, ये तो न्यूज में आ गई तब आपने जान लिया इस तरीके का मामला, और जो न्यूज में नहीं आता उसको आप नहीं जान पाते हैं। इस तरीके के हालात कब सुनेगा? युवाओं से मांग है मोदी से खास करके कि भाई आपने विदेश बहुत घूमा, पहले आप अपना देश घूमिए, देश को समझिए, देश में युवाओं का मांग समझिए। लोग बोल रहे GDP गिर गया, आप कहाँ है? युवाओं का पुकार है, अब नहीं सुनिएगा तो कब सुनिएगा? सहयोगी अनुराग के साथ मैं प्रेम, न्यूज़ फॉर भारत, पटना।